हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया का सबसे छोटा सांप, भारत का सबसे छोटा सांप। मैं तो कहूँ, मुझे जहाँ तक मालूम है दुनिया का सबसे छोटा सांप है ये। और इस सांप के बारे में लोगों के मन में हमारे देश में बहुत गलत फहमियाँ हैं। मैं कहूँगा मेरे फ्रेंड को थोड़ा उजाले में आने के लिए। तो इस सांप के बारे में हमारे भारत देश में बहुत गलत फहमियाँ हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा। कुछ जगह पे इसे यूपी बिहार ये सब साइड में तेलिया सांप बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम वर्म ब्लाइंड स्नेक है, या ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक भी बोलते हैं, ब्राह्मणी वर्म स्नेक भी बोलते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये है वो छोटा सा मासूम सा प्यारा सा वर्म स्नेक। ये सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो नाम का ही सांप बोलेंगे इसको। ये देखने में एकदम केचुए जैसा वर्म्स के टाइप दिखता है, अर्थवर्म के जैसा ही। और आप देख सकते हैं इसका मुंह इतना छोटा है, इतना छोटा है, ये देखिए इसका मुंह, आंखें भी जल्दी दिखती नहीं है। कभी कभी जब ये जीव निकालता है तो इसका पता चलता है कि इसको मुंह है, और सभी सांपों के जैसे ये जीव निकालते हैं। ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस स्नेक होता है, ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस, इसमें किसी प्रकार का वेनम नहीं है। लेकिन लोग इसके बारे में बहुत अफवाहें फैला के रखा है कि ये अगर सांप काट ले, जैसे बिहार में यूपी में बोला जाता है ये तेलिया सांप है, अगर ये काट ले तो 9 मटका तेल सरसों का डालना पड़ता है बचाने के लिए। बहुत कुछ अंधविश्वास वो इस सांप के बारे में है। इसीलिए मैंने खास करके आज आपके लिए, आप सभी को, इसके लिए मैंने एक वीडियो सोचा आप लोग के लिए बनाऊं। आप देख सकते हैं, तो ये जो आपकी गलतफहमी है ये आप दूर कर लीजिए कि एक वेनमस स्नेक है। ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस और दुनिया का सबसे छोटा सांप, तेलिया सांप कहे, वर्म स्नेक कहे, वर्म ब्लाइंड स्नेक कहे, वर्म ब्लाइंड ब्राह्मणी स्नेक कहे, या ब्राह्मणी वर्म स्नेक कहे, अलग अलग नाम है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बारिश के दिनों में दिखते हैं, और जहाँ ठंड होती है जैसे गर्मियों में जहाँ पे ठंडा होता है उस जगह पे ज़्यादा मिलेंगे। हल्की मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी के नीचे रहता है। छोटे छोटे दीमक, छोटे कीड़ों को या अर्थवर्म को भी ये खाते हैं। और इसकी खास बात है कि जब कभी कभी ये शेडिंग पे आता है ना, जब ये अपनी केचुली छोड़ता है, छोड़ने का टाइम आता है, तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, एकदम ब्लू दिखेगा, लाइट ब्लू। ये देखिए चला गया, मस्त छोटा सा प्यारा सा मासूम सा सांप। लोग गलतफहमी में इसे मार देते हैं। तो मैं बता रहा था इसके बारे में कि ये जब ये स्किन छोड़ने वाला होता है तो ब्लू कलर का हो जाता है, एकदम ब्लू कलर का, दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। तो लोगों को लगता है ये कोई नई प्रजाति का सांप मिल गया। नई प्रजाति का नहीं, वो अर्थवर्म ही है, वर्म स्नेक ही है वो, अर्थवर्म नहीं, अर्थवर्म केचुए को बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सांप देख के अच्छा लगा होगा, और इसके बारे में जो जानकारी है सही सही आपको वो देख के अच्छा लगा होगा। तो कभी भी ये सांप मिल जाए, छोटा सा प्यारा सा मासूम है, तो मारे नहीं, उठा के साइड में कर दे, नहीं तो अपने खुद भी चला जाएगा वो, कोई नुकसान नहीं है उससे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लग रहा है, तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटे का निशान दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हमारे पर बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।